हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मेरठ पेट्स लॉ। तो आज भाई बहुत दिनों बाद व्लॉग आया है, क्योंकि यार बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं व्लॉग बना नहीं पाया। तो मैं आज आपको सबसे पहले तो डेजी से मिलवाता हूँ, क्या कंडीशन है डेजी की, उसके बाद स्वीटी से, क्योंकि बहुत दिन हो गए व्लॉग को आए हुए, आपको पता भी नहीं होगा। तो मिलते हैं सबसे पहले डेजी से। डेजी मेरे पास ही बैठी है, ये देखो भाई। यार डेजी के जो है ना, कहीं कहीं से बाल उड़ रहे हैं, ये देखो अभी दिखा। देखो भाई इधर से, यार इसके कहीं कहीं से बाल उड़ रहे हैं, ये देखना यार। बहुत इस वजह से बहुत गंदी लग रही है डेजी, और कमज़ोर भी हो गई है, क्योंकि खाना नहीं खाती यार टाइम से। एक तो बहुत गर्मी थी, अब मौसम थोड़ा साफ हुआ है, धीरे धीरे खाने लगे और बाल भी धीरे धीरे आ जाएंगे। कोई नहीं, उसके बाद मैं मिलाता हूँ आपको स्वीटी से। हेलो स्वीटी। हेलो। तो भाई स्वीटी की मैं बताता हूँ, आज स्वीटी को 11वां दिन है, स्वीटी हीट पर है, तो आज मुझे इसकी मैटिंग भी करानी है। मैटिंग के बारे में मैं आपको बताऊँ, जैसे कि आप सभी को पता है यार, मैंने पहले व्लॉग डाला था, स्वीटी कंसीव नहीं कर पाई थी, एक्सरे कराया था। तो यार आपकी बार दुआ करना, स्वीटी कंसीव रह जाए, जो कि आपको क्यूट क्यूट से पप्पी देखने को मिले स्वीटी के। तो चलते हैं मैटिंग कराने के लिए। मैटिंग के बारे में आपको बता दूं कि मैं उसके लिए बता दूं भाई, कुछ लोग फैमिली में डॉग पाल तो लेते हैं फीमेल, बट उनको पता नहीं होता कब फीमेल हिट पर आती है और कब मैटिंग करानी चाहिए, कब कैसे क्या होता है, कब डिवॉर्मिंग होती है, कैसे पप्पीज होते हैं, क्या चलता है, कब फीड करानी होती है, कब कैल्शियम मल्टीविटामिन। ऐसे नहीं होते भाई, ये स्ट्रीट ब्रीड नहीं होती। स्ट्रीट ब्रीड तो कभी भी कहीं भी कंसीव हो जाती है और कहीं पर भी। तो इसलिए मैं बता दूँ, इनका बहुत रिस्क काम होता है। तो अगर आपको इस बारे में डिटेल चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भाई मैं डिस्क्रिप्शन में फुल डिटेल दे दूँ, वहाँ पे जाके मुझे आप व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज करना, क्योंकि मैं डायरेक्ट कॉल नहीं उठाता। तो चलते हैं भाई मैटिंग कराने के लिए, मैं लेट हो रहा हूँ। आप देख रहे हैं भाई, मैं लेके निकल चुका हूँ स्वीटी को। तो भाई फाइनली मैं लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ, जहाँ पर स्वीटी का पार्टनर रहता है। ये देखो यहाँ पर बहुत सारे डॉगीज हैं, जो कि फीमेल भी है और मेल भी है। ये जो गेट पर है, ये स्वीटी का शायद पार्टनर है। आपको पास से दिखाता हूँ, ये फीमेल है और ये भी फीमेल है, और ये भाई स्वीटी का पार्टनर है और ये भी फीमेल है। ये देखो इस टाइम भाई दोनों अकेले हो गए हैं, स्वीटी और स्वीटी का पार्टनर। ये देखो दोनों में प्यार चल रहा है अभी। फाइनली स्वीटी का पार्टनर सक्सेसफुल हुआ। इस पोजिशन को मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकता, थोड़ा अलग पोजीशन से दिखाता हूँ दोनों पार्टनर को। स्वीटी इधर से देखो और बताना स्वीटी का पार्टनर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। तो ये काम खत्म होने के बाद मैं सनी के हाथ में स्वीटी का पट्टा दे देता हूँ, ताकि थोड़ा सा इसको रिलीज करा दे, बाहर घुमा के आ जाए। भाई यहाँ का काम तो हुआ खत्म, चलते हैं घर की ओर, बहुत टाइम लग गया है यहाँ पे। आने के बाद भाई दही तो मैंने स्वीटी को दे दी और थोड़ी सी डेजी को भी दे दी, क्योंकि डेजी इसको देखती अच्छा नहीं लगता। कर दी सारी फिनिश स्वीटी, तो भाई स्वीटी ने भी फिनिश कर दिया और डेजी ने भी। चलते हैं नीचे। तो दही देने के बाद भाई मैं आज बहुत दिनों बाद अपने कछुओं को देखता हूँ। पानी बहुत गंदा हो रहा है, और कुछ दिन पहले मैं फिश भी लाया था, उसके मैं आपको देखो छोटे छोटे बच्चे दिखाता हूँ। ये देखो इनका भी पानी बहुत गंदा है। चलो फिर आज पानी चेंज करते हैं इनका, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने भाई क्लीन कर दिया। मैं थोड़ा यार जो ये है ना, इनके पेट पर काई दिख जाती है, तो मैं थोड़ा ये इनको साफ करना होता है, साफ करते हैं। रपट जाने रहा है इसकी पीठ पर, ये खाई चल जाती है भाई पानी की वजह से। मैंने चेंज कर दिया फिशेज का भी और इनका भी, अब मैं इनको घर पे छोड़ता हूँ दोनों के। अब बताओ कैसे लग रहे हैं। और देखो अब दिखाते हैं छोटे छोटे बच्चे, ये देखो भाई हो रहे हैं। तीन बच्चे हैं, एक दो तीन, तीनों मस्त मोला हैं।
मदर फादर भी इनके हैप्पी हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।